नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि लोकपाल पर चल रहा आंदोलन अब घमासान की स्थिति में पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी के शायद 125 साल के इतिहास में ये पहली दफा ऐसा मौका आया है कि उसे अपनी ताकत का पुरजोर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीधे तौर पर अन्ना के सामने मैदान में आ गई हैं। मामला सीबीआई को लोकपाल विधेयक के दायरे में लाने पर अटका हुआ है। सोनिया साफ तौर पे कह रही हैं कि उनके द्वारा बनाया गया, उनकी सरकार द्वारा जो ड्राफ्ट किया गया लोकपाल विधेयक है वो बहुत मजबूत है, जबकि अन्ना इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पर बहस के लिए क्रिसमस के बाद 3 दिनों के लिए संसद सत्र बढ़ाया गया है। वहीं अन्ना आंदोलन का और भी अपना रुख कड़ा करने वाले हैं और मुंबई में वो अनशन करने वाले हैं, तो आज इसी मसले पे बात करेंगे। चूंकि संसद भी स्थगित हो चुका है और शायद दूसरे पहर की कार्रवाई शुरू हो, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाए, लेकिन सोनिया गांधी के इस आक्रामक तेवर के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? जो सोनिया पिछले कई महीनों से चुप्पी साधी हुई थी, उन्होंने अचानक धावा बोल दिया है। डॉक्टर मनीष चौथी दुनिया के एडिटर कोऑर्डिनेटर इस बात का खुलासा करेंगे। बताइए मनीष जी। देखिए, अभी कुछ देर बाद लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हालांकि हम सबको मालूम है कि उसके अंदर है क्या, क्योंकि ये कल रात ही लीक हो गई, ये एक अलग मुद्दा है। दूसरी बात, पार्लियामेंट में आज बिल पेश होने से पहले ही बिल के अलग अलग सवालों पे हंगामा मचा। इसको हम कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड कोरियोग्राफी जी। ये ऑर्केस्ट्रेटेड कोरियोग्राफी किस बात के लिए था? वो इसलिए था, लालू प्रसाद यादव जो है कूद पड़े सरकार की लेफ्टिनेंट की तरह, कि इस लोकपाल में जो सरकारी लोकपाल है वो 8 मेंबर बेंच है, 8 में से 50% सीटें एससी एसटी ओबीसी एंड महिलाओं के लिए आरक्षित है। पहले इसमें माइनॉरिटी के लिए भी व्यवस्था थी। जो बिल आया है, जो सरकार ने दिया है, वो अल्पसंख्यक वोट जो है वो गायब है, वाजिब है। लालू प्रसाद यादव को बहुत दुख हुआ कि भाई इतनी बड़ी बात क्यों हो गई लोकपाल में, तो हंगामा चालू। बीजेपी शांत से बैठी हुई है, तमाशे देख रही है, उसका क्या पोजीशन है अभी तक क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं मैं कह सकता क्योंकि किसी टेलीविजन चैनल में उनके स्पोक्स पर्सन कुछ बोलते हैं, दूसरे चैनल पे उसी समय कोई दूसरा स्पोक्स पर्सन कुछ और बोलता रहता है। तो स्थिति जो है उनकी ये है कि पार्लियामेंट में बिल पेश हो जाए, जब पार्लियामेंट में हम बहस करेंगे तब हम बताएंगे। ठीक, पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि सरकार जो ड्रामा कर रही है लोकपाल के इंस्टीट्यूशन के साथ, उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्यों पूरा पर्पस ही खत्म हो गया। मैं लगातार 6-7 महीने से मैं कहता आ रहा हूं कि सरकार की नीयत में ही खोट है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ना ही नहीं चाहती और इसलिए वो तरह तरह के बहाने, व्हाट यू हैव डन, आपने जो जंतर मंतर अप्रैल के महीने में जो आपने प्रपोज किया था कि भाई हम ये करने वाले हैं, उसको भी आपने अपने फाइनल बिल से हटा दिया। सबसे पहली चीज, ये 8 मेंबर कमेटी लोकपाल को चुनेगा कौन? 5 लोग चुनेंगे। कौन कौन लोग चुनेंगे? तो 3 उसमें सरकारी नुमाइंदे होंगे। क्या बकवास है? जब सरकार ही लोकपाल को चुनेगी, 5 के मेंबर में 3 सरकारी लोग हो गए, राष्ट्रपति का नॉमिनी है एक, तो राष्ट्रपति का नॉमिनी तो कैबिनेट का नॉमिनी हुआ, प्रधानमंत्री भी हो गए। अब जूरिस्ट बता रहे हैं राष्ट्रपति किसी जूरिस्ट को नियुक्त करेंगे, तो मनीष तिवारी भी जूरिस्ट है, कपिल सिब्बल भी हैं,
मनुसंघवी भी हैं। तो आपने शुरुआत जो की है वो ये सिर्फ सीबीआई नहीं है, कंटेंशंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जो आगे चल करके अगर यही लोकपाल अगर लागू हो जाता है तो सीवीसी जैसा जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर थॉमस जैसा व्यक्ति जो है आपको लोकपाल की कमेटी में नजर आएगा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि भाई इस आदमी के बारे में जो कहना है एफिडेविट में दो, क्योंकि तुम बाद में फिर झूठ भी बोल सकते हो। बिल्कुल, लेकिन मामला जो भी फंसा है, मामला फंसा हुआ नहीं है, ये मामला भी मीडिया में फंसा हुआ है। लेट दीज थिंग्स कम आउट, क्योंकि ये अभी सब सीबीआई के पीछे लगे, सीबीआई लोग समझते हैं। पर ये अन्ना की टीम भी सीबीआई वाले मसले पे अड़ी नहीं हुई है? क्योंकि वो इसलिए अड़ी हुई है क्योंकि सीबीआई का ही मुद्दा जो है उसको दिखाया जा रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। पर भाजपा क्यों चुप है? भाजपा चुप नहीं है, भाजपा तमाशा देख रही है। फायदा क्या है भाजपा के तमाशे? मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। कल मैंने कहा था कि लड़ाई जो है एक तरफ देश की जनता है और दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल क्लास है, जिसके ऊपर ये लोकपाल जो है, अगर लोकपाल ईमानदारी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाया गया तो भ्रष्ट लोग पकड़े जाएंगे। ये भ्रष्ट लोग कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है हमारे पॉलिटिकल तंत्र में है, ब्यूरोक्रेसी में है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है। अब आप देखिए, जो लोग इस भ्रष्टाचार से फल फूल रहे हैं वो तो उसका विरोध करेंगे ही। पर सीबीआई वाले मसले को मान लेने में हर्ज क्या है? इसलिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल तंत्र में पूरा सिस्टम ही करप्ट है, इसमें सारी पार्टियों के लोग शामिल हैं। सीबीआई का मसला सरकार ने सामने रख दिया है, क्या ये गेम प्लान नहीं हो सकता? चूंकि सीबीआई को हमेशा जो भी सरकार रहती है हथियार बनाती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पर्पस क्या है लोकपाल का? भ्रष्टाचार से लड़ना। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार से कौन लड़ेगा? अगर सरकार होम मिनिस्टर के खिलाफ, जैसा अभी चिदंबरम फंसे हुए हैं, इसके मामले को अगर जांच करनी है कि सीबीआई के कैपेसिटी में है कि चिदंबरम के ऊपर हाथ डाल दे, नहीं डाल सकती। उसके चीफ को तो हर चार घंटे में अपने दफ्तर बुला लेते हैं चिदंबरम साहब। बिल्कुल, अगल बगल दफ्तर है उनका तो नॉर्थ ब्लॉक में। तो ये बताइए, तो ये सीबीआई करेगी? कोई भी दलील, कोई भी आदमी, मैंने भी कल ये भी सवाल मैंने पूछा था कि इस बात का कोई आदमी दलील दे दे कि व्हाई द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हु विल लुक इनटू द मैटर्स ऑफ करप्शन विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इनका एक पर्टिकुलर एंटी करप्शन ब्यूरो ही है सीबीआई का, जो ऐसे मामलों को देखती है, वो आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने संबंधी किसी गिरफ्तारी का मामला हो। हर दिन सीबीआई एक प्रेस रिलीज जारी करती है, हमारे पास मेल आता है, उसमें फौरी तौर पे ये जिक्र होता है कि किसी फला सरकारी अधिकारी को पकड़ लिया गया। वो बड़ा अधिकारी भी होता है और छोटे कर्मचारी भी होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इतना सीबीआई के ऊपर हंगामा हो रहा है कि सीबीआई प्रीमियर, मैंने कल भी कहा था, आज भी बता देता हूँ, कोई प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देर आर पीपल जो, मैं एक एग्जाम्पल में देता हूँ, तीन नौकर जिनका इंटेलिजेंस जो है बिलो नॉर्मल, बिलो एवरेज, एक कमरे में एक लड़की की हत्या कर देते हैं, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी जो है मूर्ख बन जाती है उनके सामने। मैं तीन कम पढ़े लिखे लोग इतनी बड़ी एजेंसी को मूर्ख बना के निकल लेते हैं और सीबीआई हाथ खड़ी कर देती है कि भाई पता नहीं किसने अरुष की हत्या की। नहीं, सीबीआई ये कहती है कि तो इन्होंने किया है, लेकिन सीबीआई सबूत नहीं दे पाती। सही बात है। अरे अदालत, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मेरे और सीबीआई में क्या अंतर है? अगर आप सबूत ही नहीं दे सकते, आप उसको पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते, तो आपकी जरूरत क्या है? तो कोई भी प्रेस रिपोर्टर पहले लिख दिया होता कि भाई इसने हत्या कर दी, वो सीबीआई हो गया। When you are comparing it with FBI and other investigating agency, leading investigating agency of the world, what is this nonsense? ये क्या आपका तरीका क्या है? CBI, सरकार के कहने पे आप अधिकारियों को पकड़ते हो, सरकार के कहने पे आप तो मैंने ऐसे मैंने एक तो एथिकली भी मैंने खत्म गिर गए हो इतनी कि जो आदमी मर जाता है
उसका बेटा आंध्र प्रदेश में, उसका बेटा अगर कांग्रेस के खिलाफ चला जाता है तो मरने के बाद आप उस पर केस करवाते हो। ये तो आप मने सीबीआई को तो एक तो एफिशिएंसी नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो है वो बिल्कुल अभी भी अंग्रेज के जमाने के हैं कि भाई आपको किसी तरीका क्या है, सीबीआई करती क्या है, इन टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। चलिए आज उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लोकपाल अभी उसी पे आकर के फोकस्ड हो गया। वो करते क्या है? इन्फ्लुएंस की वजह से अधिकारियों को पकड़ा जाता है। फॉर मैटर आप समझ लीजिए, बीएसएनएल में कोई अधिकारी कोई उल्टा पुल्टा काम करता है, या बैंक का कोई अधिकारी अपने पूरे उसके ऊपर जो है अकाउंटिंग में गड़बड़ करके कोई घोटाला कर देता है, व्हाट यू विल डू? यू आर सपोज टू कैच एंड इन्वेस्टिगेट हिज क्राइम। सीबीआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। वो करती क्या है? तो उसके पापा, दादा, नाना, मामा, चाचा, उसका उसके घर में जो है डीए का केस डालती है, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट, और तंग करती है, परेशान करके लोगों को जो है टॉर्चर करके। आप जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इफ आप सीबीआई को बहुत क्लोजली जानते हैं, आप सारे डायरेक्टर्स के जो हैं मित्रों में से हैं, आप बताइए एम आई रॉन्ग? आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज इसमें जब सीबीआई की जो संरचना है उसको भी समझने की जरूरत है। वा? सारी सरकारी जब इस बहुत मैं समझ गया कि आप ये कह रही हैं कि भाई इसमें जो दिल्ली पुलिस का हवलदार ही जो है वहाँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बीच में ये मांग भी उठी थी कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को सीबीआई का ही वो अधिकारी हो, सीबीआई के अधीन ही वो आए। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश का शीर्ष कानूनी अधिकारी इन लोगों में शुमार होता है, और जब किसी बड़े आदमी पे पेंच फंसता है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पास डायरेक्टर के मार्फत उनसे सलाह लेते हैं, कानूनी मशविरा लेते हैं कि इस मामले में क्या पहलकदमी करनी चाहिए या इस पर क्या धाराएँ लगाई जानी चाहिए, अदालत में क्या सबूत जो इनके खिलाफ मिले हैं किस लिहाज से पेश करने चाहिए, क्या पॉइंट्स देना चाहिए। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कानून मंत्रालय के अधीन आता है, वो कानून मंत्रालय का अधिकारी होता है, मामला यहाँ फंसता है। लोकपाल विधेयक के लिए आवाज उठाने वाले मैं दूसरी बात में कह रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट पॉलिटिकल हो जाता है। देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अब कांग्रेस पार्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की बात को भी खत्म कर दी है। इतनी देर तो जब भी सरकार ये 3 दिन पहले लोकपाल के डिबेट को बरगलाने के लिए और मीडिया की मूर्खता और 9 बजे के एडिटर्स की महानता कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन अलग कर देंगे, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन अलग कर देंगे, और वो सारे लोगों को 10 लोगों को बिठा करके ओपिनियन लगे कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को अलग कर दिया जाए, ऑटोनोमस कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, तो अन्ना को क्या मानने की जरूरत है? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की बात ही नहीं है, कहाँ है? सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्हें अगर कोई मशवरा करना होता है या उन्हें कोई डायरेक्शन मिलता है तो वो पीएमओ से मिलता है। अगर स्वायत्त जांच एजेंसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ये बिल्कुल राजनीतिक अधिकारों में रहती है, ये उन लोगों के इन्फ्लुएंस में रहती है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशों के अनुसार इन्हें कार्य करना होता है तो जाहिर तौर पे ये स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पाते और ये प्रभावित होता है। अब लेकिन जब जो भी सरकारें बनती हों, बीजेपी हो कांग्रेस हो, एग्रीड, मैं ये कह रहा हूं कि अब इस बात को लेकर आंदोलन नहीं हो तो गलत हो जाएगा, इस बात को लेकर के टीम अन्ना रिजिड हो जाए तो सही होगा, रिजिड नहीं होती है तो कल हम यहीं से बैठ के कहेंगे कि अन्ना ने कांग्रेस के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये बातें उठने भी लगी हैं। फिर आप ये बताइए कि जब आपके पास जांच करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, एक प्रोविजन है जो सरकार ने लोकपाल जो वो पेश करने वाली है 2 बजे उसमें एक प्रोविजन है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए लोकपाल ना सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी, इकोनॉमिक ऑफेंस, सीबीआई, जिस जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इस देश में उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकती है। बिल्कुल। अब ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए किया गया, अभी ये डिबेट होगा, कल होगा, परसों होगा या आज रात में 9 बजे डिस्कस होगा तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सीबीआई क्या हम सारे जो, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन द रियल इन्वेस्टिगेशन।
वो इस बात को उसको तैयार करता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कि क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं। अब मान लीजिए प्रोसीजर जो सरकार बता रही है कि भाई ऐसे फॉलो होगा कि भाई किसी आदमी के खिलाफ जो है कोई कंप्लेन आया, आपने किसी एजेंसी को कह दिया, चाहे ईडी हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस वाले हों, चाहे सीबीआई हो, उनको आपने कह दिया कि भाई ऐसा पता करो, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये केस बनता है। अब उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लोकपाल का तो कोई दायरा है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फाइल उठाएगा और सीधे होम मिनिस्ट्री, पीएमओ दफ्तर में जाकर के पूछेगा सर इसका क्या करना है, जो एग्जैक्टली जो रियल सेंस में जो जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कि सर इसका क्या करना है, तो वहां से पॉलिटिकल डायरेक्शन ये मिलेगा भाई इसको नेल कर दो, इसको छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। दर्शकों के लिए बात भी जानना बहुत जरूरी है मनीष जी, क्योंकि मैं और सीबीआई को कवर करने वाले तमाम पत्रकार इस बात के गवाह हैं कि जो सीबीआई डायरेक्टर का पद होता है वो कहने को भले ही स्वायत्त होता है और एक स्वायत्त जांच एजेंसी के निदेशक का होता है, लेकिन पूरी तरह से वो राजनीतिक होता है। उसको जब नियुक्त किया जाता है तो उसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो भाजपा का स्वामी भक्त रहा है या फिर वो कांग्रेस का रहा है, पोस्टल ऑफिसर का काम करता है। सर बिल्कुल, अब इसका क्या करें जी? अब ईडी भी वही काम करे, ईडी में कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, किसको छोड़ा जाता है, किसको पकड़ा जाता है, ये कहीं से छूटा हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हसन अली के केस को पढ़िए। बिल्कुल, मैं ये कहने वाला हूं, हसन अली को केस को पढ़िए, ये सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो है पोल खुल जाएंगे जी। तो आप जो है उस तरह के आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दिया पॉलिटिकल बॉसेस के आधार पर, अब लोकपाल के पास वहां से अगर ये कहा जाता है कि भाई इसके ऊपर जांच करो, तो ये मामला अपने आप सीबीआई पे चला जाएगा। कैसे जांच होना है, उसको पकड़ना है, अरेस्ट करना है, सीज करना है, नहीं करना है, कौन कौन से इस पे लोकपाल का कोई कंट्रोल ही नहीं है। सीबीआई फिर वापस जाएगी, तब तक मालूम चलेगा किसी बड़े नेता के खिलाफ ये केस है, उसने वो सरकार में मंत्री बन गया, सीबीआई बैठ जाएगी उसके ऊपर जी। बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, सीबीआई बैठ जाएगी, हो गया करप्शन के खिलाफ लड़ाई, हाँ, अनुसंधान के नाम पे वो बरसों मामला हाँ, खींच जाता है, तो ये हो गई लड़ाई। यही सोनिया गांधी का जो है वो पाथ ब्रेकिंग लॉ है जी। ये इस देश के साथ इतना बड़ा छलावा है जी। ये धोखा है बेसिकली। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा जी, कि ये सब क्यों हो रहा है जी? इसकी एक पॉलिटिकल कहानी है। पॉलिटिकल कहानी ये है कि सोनिया गांधी के वारिस और कांग्रेस पार्टी के वारिस और प्रधानमंत्री कुर्सी के दावेदार नहीं, कांग्रेस पार्टी के युवराज, जिनका सिर्फ जो है मुकुट पहनाना बाकी है, उत्तर प्रदेश में गलती से इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। गलती मैं इसलिए कह रहा हूं, Somebody ill-advised him कि आप जो है उत्तर प्रदेश में जो है बागडोर संभालिए और बताइए कि आप किस तरह के नेता हैं। दो साल पहले चौथी दिन ये स्टोरी की थी कि क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो है Somebody ill-advised him। अब इशू ये है, छह महीना पहले लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, पूरे यूपी का दौरा करते थे और राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम अकेले लड़ेंगे और अकेले सरकार बनाएंगे। अजीत सिंह जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, जिनका ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और ना ही, क्योंकि बस उनकी खासियत बस इतनी ही है कि वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र हैं, वो किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन आज अजीत सिंह साहब चार डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, उनसे ज़्यादा उनका कोई आधिपत्य नहीं है। लेकिन खैर, द पॉइंट इज व्हाट, अन्ना हजारे ने एक काम किया, सबसे बड़ा नुकसान अन्ना आंदोलन का बस एक व्यक्ति को हुआ है। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी पिछले, जब से ये अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ है, ये युवा बोलना जो है वो लाउड स्पीकर में जो चलता रहता था वो बंद हो गया, क्योंकि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी ने राहुल गांधी के पीछे से युवाओं का जो बवंडर था उसको काट के वो अपने आंदोलन में लेके चले गए। एक दूसरी बात,
राहुल गांधी को ये चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सरकार घुटने के बल जन लोकपाल लेकर के आती है। अगेन समबडी इल एडवाइज देम कि भाई सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि आपकी सीटें जो हैं बढ़ने वाली हैं, अजीत सिंह के साथ मिलकर आप 85 सीटें जीतेंगे। अब कांग्रेस पार्टी की योजना क्या है? कांग्रेस पार्टी की योजना यह है कि लेट्स फाइट इट आउट। हमारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, एडवाइजर्स बता रहे हैं, हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है यूपी में इस बार बहुत बड़ा तीर मारने वाली है। सो वी कैन टेक द रिस्क। तो सोनिया गांधी का ऐलान हो गया कि लड़ो। किससे लड़ोगे भाई? अन्ना के साथ तो आम जनता है, आम जनता से आप कांग्रेस पार्टी वाले लोग लड़ेंगे? उठो, जागो, लड़ो। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कल कहा था, प्लान बी का यह है कि अगर लोकपाल के मामले में शो डाउन होता है और कांग्रेस की पोजिशनिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये 3 दिन जो एक्सटेंड कराया गया है वो इसलिए एक्सटेंड कराया गया है कि ये मुसलमानों के रिजर्वेशन की का बिल लेकर के आएंगे। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो लेकर के आएंगे। आज जो ऑर्केस्ट्रेटेड कोरियोग्राफी जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि मुसलमानों का इशू उठाओ, लोग एजिटेट होंगे, भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट में बोलेगी बहुत सारे। लेकिन है क्या, मुलायम सिंह देखिए चुप है। मुलायम सिंह साहब को लग रहा है कि ये मामला जो है अब ये दूसरे टेरेन में जा रहा है। रीजन, कांग्रेस पार्टी ये चाहती कि जो नुकसान अन्ना की वजह से हो रहा है उससे कहीं गुना कहीं ज़्यादा फायदा जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के आएगी। लेकिन 2-3 बातें जो समझने वाली है, कोई मुस्लिम प्रेम नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये अभी का पोजीशन क्या है कि हमने उन्होंने ऐलान किया है कि हमने फैसला कर लिया है, फैसला अभी नहीं सुनाया गया है, बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे, ये फैसले का ऐलान किया गया, ये सिर्फ ऐलान है, 2 दिन में इसको जो है लागू किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा वो भी एक पेंच है, इसको भी समझना जरूरी है। ओबीसी के कोटे में, अब ओबीसी के कोटे में जैसे ये मामला गया तो वो जितनी पार्टियां इस देश के अंदर में हैं जो मुस्लिम रिजर्वेशन का समर्थन करती हैं वो सब विरोध में आ जाएंगे। राहुल गांधी फिर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जो मुस्लिम बहुल इलाका सब जो है कि हम तो रिजर्वेशन देना चाहते थे लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं देना चाहते। मायावती ने इस चीज़ को पहले ही प्रीएम्प्ट किया, जिस दिन सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मायावती ने कहा कि कानून में संशोधन लाओ। आज जो मसला जो पार्लियामेंट में लालू प्रसाद यादव उठा रहे हैं ये ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और अगर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन अगर देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन दे तो रही है लेकिन अमेंडमेंट करना नहीं चाहती। मतलब अब ये वैसे ही कहना हुआ कि भाई आपको राजधानी एक्सप्रेस से जाना है और आप जो है टैक्सी पकड़ के जो है एयरपोर्ट से ले गई, तो इसको क्या मानेंगे? अगर आपको सचमुच मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है तो यू शुड टेक द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसका पहला काम जो है वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो है ये पहला स्टेप होगा। देन यू कैन क्लेम कि भाई हम मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं, ये हमारा हमारा चुनावी घोषणा पत्र में था। तो इसलिए कि हम चुनावी घोषणा पत्र में हमने एक ऐलान किया था कि मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे और हमने अपना वादा पूरा किया, फिर आप शौक से मुसलमानों के वोट को जो है पूरी तरह से अपनी तरफ लेकर के जाएं। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो ये
लोकपाल के ऊपर अन्ना हजारे टीम के साथ साथ पूरे देश की जनता जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है उसके साथ धोखा है, और अपने पॉलिटिकली गिमिक्री में जो अगला स्टेप आप लेने वाले हो, जो आपने अभी लिया नहीं है, मैं बस प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अगला स्टेप जो आप लेने जा रहे हो वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए लेने जा रहे हो। बिल्कुल सही, डॉक्टर मनीष ने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, इसके पहले कोरियोग्राफी और अभी पॉलिटिकल गिमिक्री, दोनों ही चीजें हैं। लोकपाल विधेयक का मसला हो, महंगाई हो, या फिर मुसलमानों के आरक्षण की बात हो, सभी नेताओं की भावभंगिमाएं बदली हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान के जो शब्द निकल रहे हैं और जिस तरीके से वो पेश आ रही हैं सोनिया गांधी और उनके जो नुमाइंदे हैं, उनकी बातों में जो फर्क दिख रहा है, उस भ्रमजाल में, उस मुगालते में लोग फंस रहे हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, मतलब साफ है कि पूरे देश को झांसा देने की कोशिश की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव बीत जाए और उसमें किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से कांग्रेस को उसका फायदा मिले, लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है। बड़ा पुराना जमला है कि पब्लिक है, सब जानती है, मुसलमान आरक्षण के नाम पे भी, जैसा कि डॉक्टर मनीष ने कहा है कि ये पूरी तरह से कांग्रेस का प्री प्लान गेम है मुसलमानों को धोखा देने का, जिस तरीके से लोकपाल विधेयक और महंगाई जैसे मसलों पर या FDI के मसले पे कांग्रेस धोखा देने की कोशिश करती आ रही है। तो ये बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन अभी 3 दिनों का जो संसद सत्र होने वाला है, विशेष सत्र वो बुलाया गया है 3 दिनों के लिए, उसमें जो नाटकबाजी होगी, उसमें जो राजनीतिक ड्रामा खेला जाएगा, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा और विपक्षी पार्टियों का क्या इसमें उनका अपना फलसफा होगा, ये यकीनन निर्णायक होगा और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे जो हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, डॉक्टर मनीष फिर कल आपके सामने होंगे, राजनीतिक और ये सियासतदानों की बातों के पीछे की जो ड्रामेबाजी है उनका खुलासा करने के लिए। आज दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।